यस बैंक पहला स्टॉक है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, और उसमें जो आरबीआई की रिपोर्ट आई वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। उसमें कहा गया कि एनपीओ के लिए कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कोई चीज छिपाई नहीं गई है, और मेन कंटेंशन का इशू यही था आरबीआई के साथ इनका, तो उसमें ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी दिखा सकता है। कॉफी डे पर नजर रखिए, ये बैंक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके चलते ब्रोकरेज हाउस काफी खुश है। इनका कहना है कि जो नील डाइवर्जेंस आया है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैक्वेरी 270 के प्राइस आगे डे रहा है। इनका कहना है कि जो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था इस काउंटर पे वो अब निकल गया है, और कहीं ना कहीं ये और कॉन्फिडेंस दिलाता है कि इस कंपनी की एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। नोमुरा भी इसको काफ़ी पॉजिटिव मान रहा है, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है और 245 रुपीज़ के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। तो येस बैंक पे ब्रोकरेज हाउस काफ़ी हद तक बुलिश लग रहे हैं इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद। वहीं हीरो मोटोकॉर्प में रहने वाला है नील डाइवर्जेंस। कभी सर ऐसा आपने ख्वाबों में भी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? मतलब अनएक्सपेक्टेड है, नहीं आरबीआई की तरफ से अनएक्सपेक्टेड, और खास करके इसलिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये लगा कि इतने समय बाद अगर आना, मतलब तो फिर तहकीकात जो हुई या सब जो समय लगा वो कहाँ लगा, मतलब किस चीज़ में। बट द पॉइंट इज कि इस बैंक ने जिस बेकवी से ये एनपीए घटाए हैं पिछले 3 साल में, उसको देखते हुए लग रहा है कि इनको बाकी बैंक्स को थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहिए कि एनपीए कैसे मैनेज किए जा सकते हैं, मतलब इस टाइप के नंबर्स लाने। सो इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव। और अब नेक्स्ट स्टेज जो आपकी होगी वो बस एक जो थोड़ा सा एक एलिमेंट रहा किचन सिंकिंग, मार्च के नंबर्स में अगर आती है तो कितनी आती है, लोग उसको थोड़ा सा आज तो डिस्काउंट कर देंगे या चिंता उसकी नहीं करेंगे। हो सकता है स्टॉक अच्छा खासा वापस एक जो पॉजिटिव जोन में आ जाए या फेवर्ड जोन में आ जाए, जहां लोगों को बहुत इच्छा है इसको लेके पैसा बनाने की। वापस 270 के ऊपर, 200 के ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है क्या? और ये बड़ा ओवरहैंग हटने के बाद वागले साहब आपको क्या लगता है, गैप अप के साथ तो खुलेगा लेकिन उसके बाद कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? क्यों? क्योंकि नमूरा कहता है 245 का उनका टारगेट है, मोतीलाल ओसवाल का व्यू है 270 तक के लेवल्स उनके हैं, बाय की रेटिंग है। आपकी रेटिंग और टारगेट बताइए। हेमंत, 160-150 ये मेरे हिसाब से तो बॉटम बन गया है, बन गया ना। और वो जो रैली आई थी 150 से लेकर 240 तक वो सस्टेन नहीं हुई, वो मुझे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर पैटर्न को सस्टेन होना था तो 170 वापस आना ही नहीं था। सही कह रहे, 240 को 30 में जाके 200 का बेस बनना चाहिए था, तो वो लिहाज से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। चार्ट पैटर्न खराब हो चुका है, बट ये लेवल पे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेचना तो नहीं चाहिए सर, आज तो गैप अप खुलेगा। हाँ, गैप अप खुलेगा, गैप अप को चेज करेंगे क्या, सवाल ये है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू लेना है 190-195-200 उधर तक चेस कर सकते हैं, बट आप यहाँ से 195 at max 200। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें 250-270 नहीं, वो तो नहीं जाएगा, वो इतना स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता। नंबर्स तक वेट करेंगे शायद सर, 200 के ऊपर नहीं। इसमें आज का मूव जैसे वो रवनीत गिल के अनाउंसमेंट पे जैसे हुआ था, ये बिल्कुल वैसा होगा आज, फिर उसके बाद थोड़ा सा थक जाएगा कि भाई आंकड़े फाइनली मार्केट डिस्काउंट करता है अर्निंग्स नंबर्स, ये सब तो सेंटिमेंटल चीजें आती जाती रहेंगी। चलिए अब बात सवाल ये है, येस बैंक 10% ऊपर चेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तय करेगा फिर इसकी वीकली एक्सपायरी। तो पहले क्योंकि प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल हो चुके हैं, 10% ऊपर ये खुल रहा है, क्या ये यहाँ से खुल के जाएगा 200 तक वागले साहब? ये टफ सवाल है आपसे, और उसके बाद यही सवाल आपसे भी सर, आप भी तैयार रहिए, बताइए। हेमंत, मार्केट के माहौल देख के मैं इतना एग्रेसिवली चेज नहीं करूंगा। ये बिल्कुल 186 पे ओपन होके 195-200 तक जा सकता है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड या फाइनेंशियल जो हम कहते हैं वो ट्रेडर के फेवर में नहीं है, तो मैं अवॉइड करूंगा। शॉर्ट्स इसमें कितने हैं और शॉर्ट कवरिंग के चलते ये जाएगा, बाकी तो कितने शॉर्ट्स हैं आप बताइए देख कर डेटा। हेमंत, यहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट्स बहुत सारे कवर हुए थे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 7-8 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जाकर के अब ये मोमेंटम आएगा, तो बहुत हैवी शॉर्ट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कंसोलिडेशन पहले देखने को मिल चुका है। मैं भी वागले साहब से एग्री करूंगा, 186 पे ओपन हो रहा है, ऑप्शंस के डेटा पे देखेंगे 190-200 के आसपास हैवी राइटिंग है, तो मुझे लगता है टारगेट ही 190 का था, और अगर 186 पे ओपन होता है यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा। तो आप, लेकिन अभी एक अच्छी खबर हो चुकी है, ठीक है, इसके बाद अगर ये नीचे आता है किस लेवल पर आपको लगता है कि फिर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आप शुरू करना चाहेंगे?
175 अगर मुझे मिलता है या 178 भी अगर मुझे मिलता है तो मुझे लगता है फिर वहां पे रिवॉर्ड टू रिस्क थोड़ा जस्टिफाइबल है, जहां पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 170 के नीचे और अपसाइड में मेरा टारगेट होगा 195 मैक्सिमम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए बाजार इसको किस तरह से रीड करेगा, डाइवर्जेंस नहीं मिला इसका मतलब है कि बैंक ने अपने डिस्क्लोजर्स को बेहतर किया है। तो जो डर था जिसकी बात लगातार हम कर रहे थे और सुबह दीवान साहब आप जो कह रहे थे कि यहाँ पे और कितनी साफ सफाई बाकी है, तो ये डिस्क्लोजर्स अगर अच्छे हो गए हैं तो इससे बाजार को ये संकेत लेना चाहिए कि जैसे एक्सिस में साफ सफाई हो गई थी पहले ही, तो यहाँ पर भी अगर अच्छी खासी सफाई हो चुकी है तो डर थोड़ा कम होगा, पूरी तरह शायद ना निकले तो गिरावट में खरीदारी का मौका। 178 के आसपास शुभम कह रहे हैं आपको एंट्री लेनी चाहिए। एक निराश करने वाला एक और नतीजा रहा है यस बैंक की है, अब कितने लोगों के हाथ ही आया होगा क्योंकि 10% ऊपर के बाद अब देखिए 26% ऊपर, तो 200 के ऊपर निकला, 212 के आसपास वागले साहब ये समय ट्रेड कर रहा है, अब क्या यहां से? हेमंत ऐसे ये मूव्स दिखाई देते हैं, ठीक पकड़ने में बहुत मुश्किल है, नहीं और थोड़ा वेट सीजी पावर देखिए ये अभी भी और गिरे काम तो नहीं होता तो बैंक निफ्टी आपको काफी दबाव दिखा रहा होता। एक बार दिखाते हैं कंट्रीब्यूटर्स जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो स्टॉक है दरअसल जो होल्ड करके रख रहा है, लेकिन अब ये ऊपर में देखिए टिक नहीं रहा है, तो 26-27% की तेजी के बाद अब ये देखिए ऊपर से फिसलता हुआ 217 का हाई लगाने के बाद अब 205 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो वही बात ये 200 के ऊपर जाता है और 200 के ऊपर टिकता नहीं है, ऊपर से नीचे फिसल जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही इस समय देखिए इसमें देखने को अब मिल रहा है। इक्विटास और उज्जीवन हालांकि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, टॉप 5 गेनर्स में येस बैंक है, इक्विटास है और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, लेकिन बाजार में कमजोरी देखी जा रही है, 1% शेयरों ने हाथ बदले हैं और 1% शेयरों का मतलब आपको बता दूं ये होते हैं 125 करोड़ रुपए के शेयर, सो इतनी सारी मल्टीपल ब्लॉक डील्स मुझे मेरी स्क्रीन्स पर इस समय नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी ब्लॉक डील हुई हैं और अगर मैं संख्या जोड़ूं तो हुई हैं करीब करीब 67 या 66 ब्लॉक डील्स और सबका मिलाकर अगर आप देखें तो दरअसल ये करीब करीब 1% हिस्सा हो जाता है। चलिए येस बैंक की बात तो हमें समझ में आ रही है लेकिन करूर वैश्य बैंक में दीवान साहब भी निफ्ट में देखिए दिक्कत यह है कि येस बैंक का वजन रिलेटिवली कम है और जो आप बता रहे हैं HDFC बैंक या ICICI बैंक जो आज हेमंत ने शॉर्ट करने की भी राय दी है जहाँ तक मुझे याद है सुबह, इनका वजन ज्यादा है तो ये दबा रहे हैं और निफ्टी बैंक पे कल हेमंत आखिरी सौदा में हमने 2700 का लेवल टूटते ही शॉर्ट की कॉल दी थी और 150 पॉइंट की कमाई हुई और वो पोजीशन होल्ड करने की राय दी गई थी 26600 के टारगेट के साथ, जो अभी अभी जिसकी बात कर रहे थे यहाँ पर रजत भी। वागले साहब देख रहे हैं आप भी 26600 तक निफ्टी बैंक को जाते हुए? 26650